हेलो मेरे दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मैंने मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पर लिखी गई काफी सारी किताब पढ़ी है। कुछ बुक्स जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, तो कुछ बुक्स जहां एडवांस कॉन्सेप्ट्स और मनी साइकोलॉजी के बारे में समझाया गया है, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, कैश क्वाड्रेंट, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द फास्ट लेन मिलियनियर। तो इस वीडियो से मैं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच, शेयर करूंगा कुछ की लेसन्स जो मैंने इन बुक्स से सीखे हैं। इनमें से कुछ बुक्स पढ़ने के बाद तो मैं सरप्राइज था, क्योंकि कुछ लेसन्स जो मुझे सीखने मिले वो बुकिश नॉलेज जो हमें स्कूल और कॉलेज में समझाया जाता है उनसे बिल्कुल अलग है। और तो और ये लेसन्स मुझे मेरी कई सालों के बैंकिंग जॉब में भी सीखने नहीं मिले। तो शुरू करते हैं पहली बुक से जो मनी की साइकोलॉजी और बिहेवियरल फाइनेंस पर है, साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब मैंने कवर टू कवर दो बार पढ़ी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इस बुक को आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं हर इन्वेस्टर को ये बुक सजेस्ट करूंगा। पैसों की बात आते ही हम मैथ और बड़े बड़े नंबर्स इमेजिन करते हैं, लेकिन पैसा जितना मैथ है उतना ही साइकोलॉजी और बिहेवियर भी है। हमारा दिमाग पैसों को कैसे परसीव करता है और पैसों से कनेक्ट करता है, और हम पैसों को लेकर क्या फील करते हैं। हर इंसान की उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से पैसों को लेकर एक सोच, एक फीलिंग होती है, और इन पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से ही वो मनी रिलेटेड डिसीजंस लेता है, और इस बात को अक्सर इग्नोर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मेरे पिताजी उनके 30s में थे, तब रिसेशन था और स्टॉक मार्केट क्रैश के कारण उनका जॉब लॉस हुआ, और इस पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से उन्हें आज भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर लगता है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं वो है लक, जिसका इम्पोर्टेंस इस बुक में कुछ शॉर्ट स्टोरीज, जैसे कि बिल गेट्स अमीर बने क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क तो किया ही, लेकिन वो लकी थे और सही समय पर सही जगह होने से वो इतने अमीर बने। कई सारे लोगों को लगता है कि बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी को पढ़ के उसे रेप्लिकेट किया जा सकता है, लेकिन उनके वेल्दी बनने के पीछे उनके लक का भी साथ था। सो जितना सक्सेसफुल इंसान, चांसेस है कि वो लकी भी था। तो इस बुक में ऑथर रेकमेंड करते हैं कि हमें लोगों की सक्सेस स्टोरी को स्टडी करने से अच्छा पैटर्न्स को स्टडी करना चाहिए। सो अगर एक इंसान सक्सेसफुल होने के लिए रूट ए लेता है और 10 इंसान रूट बी लेते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं, तो चांसेस है कि रूट बी लेने से सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा है, और रूट ए लेने वाला इंसान लकी है जिस वजह से उसे सक्सेस मिली। सो जब पैसों की बात आती है, कुछ की पैटर्न्स और फंडामेंटल रूल्स है जिन्हें कोई भी अप्लाई कर सकता है, और इन्हें अप्लाई करने के लिए उनका लकी होना जरूरी नहीं है। अगर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए लक का इंतजार नहीं करना चाहते और पैटर्न्स फॉलो करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए या विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर, जहां हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, जैसे कि अर्ली रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदनी, वेकेशन, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन्हें सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके अचीव कर सकते हैं। एलेक्स हॉर्मोजी ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, इग्नोरेंस डेट, जिसके अनुसार 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंच पाने का डिफरेंस है वो नॉलेज जो आपने अब तक हासिल नहीं किया है। सो इस इग्नोरेंस डेट के कॉन्सेप्ट को हम इन्वेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सब जानते हैं और हम हमारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए सही और कॉम्प्लेक्स डिसीजंस सही से ले रहे हैं, और ये मिसकंसेप्शन हमें मिसलीड करता है। अब सेकेंड बुक है मोस्ट पॉपुलर एंड ऑल टाइम क्लासिक, रिच डैड पुअर डैड। इस बुक का इतना पॉपुलर होने का रीजन इजीली समझ आता है। ये बुक मनी और फाइनेंस के उन फंडामेंटल्स को कवर करती है जो हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते। इस बुक की स्टोरी ऑथर के 2 डैड्स के अराउंड रिवॉल्व होती है, जिनमें से 1 डैड उनके बायोलॉजिकल फादर है और दूसरे डैड उनके बेस्ट फ्रेंड के डैड है जो ऑथर को गाइड करते हैं। उनके बायोलॉजिकल फादर एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब लेना रेकमेंड करते हैं और पेंशन के साथ साथ रिटायरमेंट लेने में बिलीव करते हैं, और बेस्ट फ्रेंड के डैड जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और स्कूल ड्रॉप आउट है, जिन्होंने एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं, उनके अनुसार ऐसे एसेट्स बिल्ड करने चाहिए जो हमारे लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सके। और सच कहूं तो कुछ सालों पहले जब मैंने ये बुक पहली बार पढ़ी थी, तब जाके कहीं मुझे असल में ऐसे
एसेट और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस समझ आया। एसेट्स वो होते हैं जो हमारे जेब में पैसे डालते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, साइड हसल, बिजनेस। और लायबिलिटीज वो होती है जो हमारे जेब से पैसे लेती है और उनकी वैल्यू भी समय के साथ गिरती चली जाती है। ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, खास करके तब जब आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग करने की जर्नी को शुरू कर रहे हैं। इससे मेरा क्या मतलब है, ये जानने के लिए आप ऊपर आई बटन में आए इस वीडियो को देख सकते हैं। Why Net Worth Grows Fast After First 1 Crore, लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये। रिच डैड के अनुसार जिस घर में आप रहते हैं उस घर को इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप जरूरत से ज्यादा बड़ा घर खरीदते हैं और EMI में आपकी सैलरी का काफी बड़ा हिस्सा चला जाता है, जिसे कहीं और इन्वेस्ट करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी पर्सनल फाइनेंस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो ये मस्ट रीड बुक है। ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करती है। थर्ड बुक इसी ऑथर की फॉलो अप बुक है, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। 9 to 5 जॉब करने के अलावा पैसे कमाने के और भी कई सारे तरीके हैं। जैसे मैं 9 to 5 जॉब नहीं करता, लेकिन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की पढ़ाई की है, तो मेरी स्किल है लोगों को उनका पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाकर समझाना कि कैसे वो अपने गोल्स जैसे कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट और बाकी फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको theartofwealthbuilding.com पर मिल सकती है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। देखिए, लोगों को लगता है कि एक स्टेबल जॉब होने से ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, लेकिन द कैश फ्लो क्वाड्रेंट इस थिंकिंग को चैलेंज करता है। 9 to 5 जॉब की क्या लिमिटेशन है और क्यों वेल्थ क्रिएट करने के लिए जिंदगी भर एक ही डेस्क पर काम करना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट ऑथर समझाते हैं कि क्यों एक ही सोर्स ऑफ इनकम जो ज्यादातर लोगों के लिए उनका जॉब होता है उस पर डिपेंड करना रिस्की होता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो इस बुक में डिस्कस किया गया है पैसे कमाने के 4 तरीकों के बारे में समझाता है। नंबर 1 एम्प्लॉई, 9 to 5 जॉब करना। नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी खुद का छोटा बिजनेस होना, जैसे कि डेंटिस्ट, लॉयर या फिर फ्रीलांसर। नंबर 3 बिजनेस ओनर, किसी बड़े बिजनेस का ओनर होना। एंड नंबर 4 इन्वेस्टर बनना और अलग अलग बिजनेस में अपना हिस्सा खरीदना। इस बुक में समझाया गया है कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन अगर आप कुछ एक्शनेबल आइडियाज समझना चाहते हैं तो बुक नंबर 4 है, द 4-आवर वर्क वीक। इस बुक का टाइटल पढ़ के मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, द 4-आवर वर्क वीक इज टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन इस बुक को कवर टू कवर रीड करने के बाद मुझे समझ आया कि ऑथर हमें काम कम करने नहीं कहते, लेकिन स्मार्ट काम करना समझाते हैं। कैसे कोई भी रिटायर्ड और मिलियनेयर लाइफस्टाइल जी सकता है अपना एक बिजनेस बिल्ड करके और उस बिजनेस को ऑटोमेट करके, एक ऐसी लाइफ जिसे जीने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं और वो रिटायरमेंट के बाद ही जी सकते हैं। इस बुक को रीड करने के बाद ये समझ आता है कि कैसे कुछ गोल्स जिन्हें अचीव करना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन सही प्लानिंग करके उन्हें अचीव करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। सो द कैश फ्लो क्वाड्रेंट और 4-आवर वर्क वीक, ये दोनों ही बुक्स इंटरलिंक्ड है, क्योंकि एक बुक से समझ आता है कि 9 to 5 जॉब करने के अलावा भी पैसे कमाने के तरीके अवेलेबल है और 4-आवर वर्क वीक से इन्हें कैसे अचीव करना है ये समझ आता है। 5th बुक है द मिलियनियर फास्ट लेन, लाइफ चेंजिंग बुक है ये। ऑथर के अनुसार इस दुनिया में आसानी से अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जल्दी अमीर बनने का रास्ता है। मैं रिपीट करता हूँ, गेट रिच इजी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन गेट रिच क्विक एग्जिस्ट करता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्सर हमें आसानी से ऐसा कुछ सुनने नहीं मिलता। इस बुक में ऑथर फाइनेंशियल लाइफ के 3 रास्तों के बारे में समझाते हैं। नंबर 1 साइड वॉक, जहां हर महीने लगातार कई सालों तक आप अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड करते हैं, जिस वजह से आप पे चेक टू पे चेक जीते हैं। नंबर 2 स्लो लेन, जहां लोग सेफ पाथ लेते हैं, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छा जॉब करना, अपनी इनकम का छोटा
सा हिस्सा इन्वेस्ट करना और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाने के लिए रिटायरमेंट तक का वेट करना और फाइनली बुढ़ापे में अमीर बनना, विच मीन्स कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और आप जिंदगी भर अपना टाइम ट्रेड करते हैं पैसा कमाने के लिए। नंबर 3, फास्ट लेन, जहां लोग अपने टाइम को लेवरेज करते हैं और पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अपने टाइम को उस काम के लिए इन्वेस्ट करना जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सके, कोई ऐसा प्रोडक्ट या सिस्टम डेवलप करना जिससे इनकम जनरेट होती रहे और आपको उस इनकम को जनरेट करने के लिए समय देने की भी जरूरत ना पड़े। जब ऑथर बताते हैं कि गेट रिच क्विक पॉसिबल है तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन प्रोडक्ट या सिस्टम डेवलप करने के लिए भी आपका हार्ड वर्क और कमिटेड रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अब तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए या कमेंट में एक थैंक यू लिख दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। 6th बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। जब सक्सेस की बात आती है तो आपका राइट माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ को स्केयरसिटी माइंडसेट से अप्रोच करते हैं और आपको लगता है कि पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है तो आप ऐसा ही एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन अगर आप ये बिलीव करते हैं कि अबेंडेंस अचीव करना पॉसिबल है और आप कैपेबल हैं, तो आपके एक्शंस खुद ही आपकी थिंकिंग के साथ अलाइन होंगे और आप सक्सेस अचीव करोगे। लेकिन सिर्फ अबेंडेंस माइंडसेट का होना हेल्प नहीं करता अगर आप एक्शंस नहीं लेते। सो अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए या विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। 7th बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। 19 ईयर्स की एज में वॉरेन बफेट ने इस बुक को रीड करा था और आज भी वो इस बुक को बेस्ट बुक टू रीड का खिताब देते हैं। इस बुक के प्रिंसिपल्स टाइमलेस है और रियल वेल्थ क्रिएशन करने के लिए और कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। वेल्थ बनाने के लिए आपका सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है और बस दो चीजें करनी है, नंबर 1 रैशनल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क एंड नंबर 2 इमोशनल कंट्रोल, यानी आपके इमोशंस को आपके रैशनल डिसीजन मेकिंग पर हावी नहीं होने देना है। इस बुक में ऑथर मार्केट कैसे बिहेव करता है और फाइनेंस के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कवर करते हैं और आपके इमोशंस को इन्वेस्टमेंट करते समय कैसे कंट्रोल करना है ये कवर करते हैं। 8th बुक है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। इस बुक के ऑथर वैनगार्ड के सीईओ है और इंडेक्स फंड इन्होंने ही इन्वेंट करा है और ये बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएटिंग की सिंपल विनिंग स्ट्रेटेजी समझाते हैं। नंबर 1 इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स एंड नंबर 2 कीप इन्वेस्टिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट अप्स एंड डाउन्स। सो मार्केट जहां भी है आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करना चाहिए और इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अगर आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर। इस बुक में ऑथर आपकी एज के अनुसार एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए ये भी डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इस बुक में ऑथर ने एसेट एलोकेशन को बहुत ही कंजर्वेटिवली डिफाइन किया है। सो एक और फॉलो अप बुक है 9th बुक द धंधो इन्वेस्टर एंड 10th बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। इन दोनों बुक्स में समवॉट सिमिलर प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज अक्सर हमारे आस पास ही होते हैं और हम इन कंपनी के प्रोडक्ट्स को डेली लाइफ में यूज भी करते हैं और मैं कुछ हद तक इस प्रिंसिपल में बिलीव भी करता हूँ। लास्ट ईयर यानी मई 2023 में मैंने अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम जूडियो विजिट किया और देखा कि वहाँ किसी भी दिन इतनी भीड़ होती है। मुझे पता चला कि ये ट्रेंड के नाम से लिस्टेड है। फिर मैंने उनका बिजनेस मॉडल और बैलेंस शीट को और थोड़ा समझा, फिर समझ आया कि इनका रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। मैंने इस कंपनी के कुछ स्टॉक्स खरीदने का फैसला किया और करीब 1400 रुपीज में खरीदा और मुझे काफी अच्छा मुनाफा हुआ क्योंकि मैं खुद इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करता हूँ और एज अ कस्टमर मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस किया और फिर इस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदा। अब ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, लेकिन सही रिसर्च करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सारी बुक्स जिनके बारे में हमने डिस्कस करा उनमें एक कॉमन चीज है कि अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है
और हार्ड वर्क करना जरूरी है। डिसिप्लिन, परसिवरेंस और इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी होना जरूरी है। हमारे चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर और भी कई सारे वीडियोस हैं जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं अपना फाइनेंशियल नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक इस बॉक्स में डाल दी है, आप देख सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। 75% लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है। तो आप इस चैनल पर थोड़े और वीडियोस देखिए और अगर आपको वैल्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी मदद होती है। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।